Hi friends, welcome to Sandhi Food Magic. In this video, we will make very delicious and fluffy eggless red velvet cupcakes. So, let's make. कपकेक बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें एक कप कर्ड यानी कि दही डालेंगे. दही हम रूम टेम्परेचर पर लेंगे और इसे एक मिनट के लिए विस्क करेंगे. अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल आधा कप डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे. हमें सरसों का तेल या कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना है. अब हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे जिसे हम पहले छान लेंगे. छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना रहें. अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. अब हम इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट आधा स्पून डालेंगे. अब हम एक छन्नी लेंगे और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे. सबसे पहले हम मैदा लेंगे. मैदा हम 1.5 कप ले रहे हैं. 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे. आधा चम्मच बेकिंग सोडा. 1 चम्मच कोकोआ पाउडर. सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे. अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए 10 से 12 बार इसे चलाएंगे. केक का बैटर स्मूथ हमें बनाना है इसलिए हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे. मिल्क थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे और वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, मतलब नॉर्मल चाहिए, ठंडा या गर्म नहीं लेना है. अब हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे. अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में फूड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं. मैंने इसमें जेल फूड कलर डाला है. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. थोड़ा सा और दूध ऐड करके बैटर स्मूथ बनाएंगे. हमारा बैटर तैयार है. अब हम कपकेक के लिए मोल्ड्स को ग्रीस करेंगे ऑयल से. इसमें हम कपकेक पेपर रखेंगे और ग्रीस करेंगे. अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो आप छोटी छोटी कटोरियों में भी इसको बना सकते हैं. अब हम इसमें बैटर डालेंगे. बैटर हमें 3rd-4th पार्ट में ही डालना है. पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, नहीं तो ये फूल के बाहर निकल आएगा. अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे. बीस मिनट हो चुके हैं. चलिए देखते हैं हमारे कपकेक्स तैयार हैं. अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे और एक टूथपिक के सहारे से चेक करेंगे.
देखिए हमारे टूथपेस्ट बिल्कुल क्लीन है। दैट मीन्स कि ये हमारे कपकेक्स बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे। जब ये ठंडे हो जाए तो इसको आप डीमोल्ड कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अगर आप गरम गरम ही डीमोल्ड करेंगे तो ये उसमें चिपके होंगे और सही से नहीं निकलेंगे, इसलिए इनको ठंडा करना ज़रूरी है। तो हम इन्हें डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन के लिए हमने कपकेक के ही क्रम्बल्स लिए हैं। पहले हम व्हिप क्रीम पे लगाएंगे। इन्हें कपकेक क्रम्बल से गार्निश करेंगे। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप कभी भी इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारे कपकेक कितने सुंदर बने हैं। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू।